हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव क्रिएशन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज़ जो हर घर की ज़रूरत है। इसे मैं बनाऊंगी ज़ीरो कॉस्ट में ताकि हर कोई इसे बना सके। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 17x5 इंच का एक पीस। इसकी लाइनिंग के लिए भी मैंने सेम कपड़ा यूज़ किया है और एक पीस और मैंने लिया है पॉकेट के लिए, जिसकी लंबाई तो हमने सेम ही रखी है और इसकी विड्थ मैंने रख दी है 7.5 इंच, वो भी लाइनिंग के साथ। अगर आप हाफ हाफ लेते हैं तो इसे हाफ करें। इस तरह से हमारा ये मेन फैब्रिक हो गया। अब इसके अंदर भरने के लिए मैंने ये कैरी बैग लिया है, जो कि शादियों में अक्सर हमारे पास आ जाता है और बिल्कुल भी इसका ज़रूरत नहीं होती और इसे हम यूज़ कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक है जो थोड़ा मोटा सा होता है, जिस तरह से चावल का बैग होता है। इसे मैंने फिल कर लिया है और इसके अंदर से इस मैंने कट कर लिया है सेम साइज़ का। सेम ऐसे ही मैंने ये पॉकेट के लिए भी कट किया है, हाफ कट करके इसे हम चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। चाहे तो आप क्विल्ट भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये पॉकेट्स आएंगी। अब इसको हम बाइंड कर लेंगे। वैसे तो ये एक तरफ से फोल्ड है, चाहे तो आप ना भी करें, लेकिन ये अच्छा लगेगा दिखने में। तो मैंने यहाँ से कंट्रास्ट कलर ले लिया है इसका। अब हम इसकी गोलाई कर लेते हैं। तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है ताकि दोनों पीसेज में एक साथ हो जाए। इसी तरह से हमें दूसरा पॉकेट भी कर लेना है। तो ये देखिए, इसका जो कॉर्नर है ना, जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसे भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये फोम, जो कि अक्सर सूटों में हमारे पास आ ही जाता है। तो मैंने ये एक पीस कट कर लिया है। इतना ही पीस कट करना है कि हमारे ये पॉकेट पे आराम से लग जाए। मैंने दोनों तरफ से इस ब्लैक कलर के कपड़े को स्टिच कर लिया है। इतना स्टिच किया है कि ये आराम से फिल हो जाए इसमें। तो इसके अंदर हम इसे फिल कर लेंगे और इसे लॉक कर लेंगे स्टिच लगा कर। इसे हमें पॉकेट के ऊपर अटैच कर लेना है। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। अब मैंने ले लिया है ये पॉलिथीन। ये अक्सर हमारे पास आ ही जाते हैं, चाहे आप सूट खरीदें, पैंट खरीदें, या कोई भी मॉल से हम सामान लेते हैं तो इन्हीं पॉलिथीन में आता है। और साथ ही इसमें जिप भी लगी हुई है। तो इसे मैं किनारे किनारे से कट कर लूँगी। इसका जो पाइपिंग है ये हमें नहीं चाहिए। इतना बड़ा हमें पीस लेना है जितने हमारे पीस की चौड़ाई है। तो मैंने यहाँ 5 इंची का कट कर लिया है और ये लगभग इतना ही है। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल बराबर आया है। अगर ये एक्स्ट्रा आता है तो आप कट कर सकते हैं, और अगर छोटा आता है तो इसे सेंटर में अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने निशान लगा लिया है दोनों साइड और इसे मैं उल्टा करके रखूँगी और ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। अब एक तरफ तो हमने इस तरह से कर लिया है, दूसरी तरफ हम डायरेक्ट इस तरह से सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर्स में भी हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब जो हमने नॉर्मली इसी तरह से सिलाई लगाई है, वहाँ पर हम एक पट्टी लगा लेंगे। मैंने ये कंट्रास्ट पट्टी ही ले ली है, जिससे ये देखने में अच्छी भी लगेगी। एक तरफ लगा के हमें इसे पाइपिंग की तरह फोल्ड कर लेना है और स्टिच लगा लेना है। देखिए, जब ये पॉकेट यहाँ पे लगेगी तो बिल्कुल भी यहाँ पे ये पट्टी का पता नहीं चलेगा। जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा बाहर निकल जाता है या पॉलीथीन बाहर है, इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर पॉकेट अटैच करना है। तो पॉकेट को बंद करने के लिए मैंने ले लिया है ये वेलक्रो। ये मैंने 1.5 इंच का लिया है। इसे मैं हाफ हाफ कर दूंगी, ये दोनों पॉकेट में काम आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर बटन भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप जिप वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये मैं ज़ीरो कॉस्ट में बना रही हूँ, तो मैंने ये मेरे पास घर पर ही रखा था तो मैंने ये ले लिया। टिच बटन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस वेलक्रो को हमें 2 पीस होते हैं, एक हम मेन पीस में अटैच करेंगे और एक हमें पॉकेट में अंदर की तरफ अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से लग गया। सेम दूसरा भी हमें इसी तरह से पॉकेट में लगा लेना है। ये हमारी दोनों पॉकेट बन गई। अब इसको साइड साइड से हमें स्टिच कर लेना है। ये पॉकेट हमारी अटैच हो गई, दूसरी साइड भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब हमें यहाँ पर एक इलास्टिक लेना है। इसे मैंने 1.5 से 1.25 इंच का कट किया है। इसे हम लूप की तरह सीधे साइड पे इस तरह से अटैच कर देंगे। इसी से हम इसे बंद करेंगे। ये हमारा ऑर्गेनाइज़र है, जिसे हमें बहुत ही ज़रूरी हमारे घर घर में होना ही चाहिए, चाहे आप सिलाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह हर घर में होना चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने ये चारों ओर में पट्टी लगा ली है बिल्कुल ढीले हाथ से, क्योंकि इसे हमें बैक साइड में फोल्ड करना है। जहाँ पे ये जोड़ आया है ना, यहाँ पे हम इसे जोड़ लगाएंगे और फिर इसे स्टिच कर देंगे। इसे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है और इसे हमें फिर स्टिच लगा लेना है। अब इसको पूरी पट्टी को हमें उधर उल्टी साइड पे फोल्ड कर लेना है, पाइपिंग की तरह
हम इसे चारों तरफ स्टिच कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से दिखाई देगा। आप इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार जहाँ पे आप रखना चाहते हैं इसमें हैंगर भी लगा सकते हैं। एक स्ट्रिप ले लें और इसे दोनों तरफ अटैच कर दें, बंद करके देख लें तो ये आपको कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं। हमारा ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है, ये इस तरह से बंद होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें सामान रख लेते हैं। ये मैंने सेंटर में रिले रख ली हैं, हुक के पाउच रख लिए हैं, चौक रख लिया है, थोड़े से बटन्स रखे हैं, ये आप और कलर्स में भी रख सकते हैं एक डिब्बे में रख के। छोटी छोटी सी सुइयाँ होती हैं जो अक्सर गुम हो जाती हैं, इंच टेप भी आप इसमें रख सकते हैं। सेफ्टी पिन भी आपको आराम से मिल जाएगी। ये मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा इसी लगाया है, इस पर अच्छे से सुइयाँ आपको नज़र आएंगी, छोटे छोटे बटन्स, इसलिए हमारी दो पॉकेट हैं, यहाँ पर आप सुइयाँ लगा सकते हैं। तो आपको ये अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। ये देखिए हमारा ये पाउच हर घर में होना ही चाहिए। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।